मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम करदासा जब भगवान के भक्त को भगवान से बड़ा कोई मानता है तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान की सेवा करो भगवान तो उतना प्रसन्न नहीं होगा उसके भक्त की सेवा करो तो बहुत जल्दी प्रसन्न होता है क्योंकि ये बात इंद्र से कही थी उनके गुरु ने बृहस्पति जी ने प्रमाण है मन की कल्पना नहीं है एक सत्य है ठोस बात है भगवान की सेवा से बड़ी है उनके भक्तों की सेवा यह बात बृहस्पति जी ने तब कही थी जब राम वन में गए थे उनके साथ लक्ष्मण गए और जगत जननी सीता भी उनके साथ गई सभी लोग जानते हैं चौदह साल तक बनवास में गए थे भगवान तो भरत जी ने सोचा कि मेरे कारण सब हुआ है मैं उनको मना के लाऊंगा और गए जंगल में भरत जी भी उनको मनाने के लिए सारी अयोध्या गई राम को मनाने के लिए और उस समय इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा कि अगर भरत मना लाए राम को तो रावण नहीं मरेगा सब देवता कैद में हैं रावण के तीनों लोग दुखी रहेगा इसलिए ऐसी माया करनी चाहिए ये वहां पहुंच नहीं पावे ये विचार जाकर के गुरुदेव से कहा गुरुजी आप तो भरत जी न पहुंचे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए बृहस्पति जी ने कहा अरे इंद्र हम तुम क्या भक्त का अपराध करेंगे नष्ट हो जाएगा तू भी और हम भी जे अपराध भक्त कर कर ही राम रोष पाबकते जरही भक्त का अपराध नहीं करो और सुनसुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाए न काऊ भगवान का अपराध कर लो तो भगवान कभी गुस्सा नहीं करेंगे लेकिन अगर भक्त का अपराध किया तो भगवान के क्रोधाग्नि में जल जाओगे यह महिमा जान दुर्वासा लोको वेद विदित इतिहासा सब संसार जानता है कि दुर्वासा ने अम्बरीश का अपराध किया साल भर तक चक्र से जलते रहे इसलिए सुनो सुरेश उपदेश हमारा रामई सेवक सब जानते हैं परम प्यारा भगवान को भक्त प्यारा है मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बैर बैर अधिकाई भक्त की सेवा करोगे तो भगवान को सुख मिलेगा मानत सुख सेवक सेवकाई और सेवक बैर बैर अधिकाई भगवान के भक्त से बैर द्वेष, गुस्सा क्रोध किया तो भगवान उसको बैर मान लेंगे तो इसलिए तुम ये विचार छोड़ दो एक भक्त हुए हैं उद्धव जी ये उद्धव वो नहीं है जो कृष्ण अवतार में गोपियों के पास गए थे एक नाम के अनेक भक्त होते हैं ये अभी नाभाजी ने जो लिखा है भक्तमाल उसके पहले अभी कलयुग में हुए हैं तो उनकी सेवा उद्धव जी करते थे ठाकुर जी की श्री जी की एक लुटिया थी भक्त लोग तो गरीब होते हैं ज्यादा सामान नहीं होता है ज्यादा सामान तो हम जैसे ढोंगी लोग रखते हैं जिनमें भक्ति नहीं है एक लुटिया थी उसी में भोग रख करके पानी पिलाते थे ठाकुर जी को बड़े प्रेम से सेवा करते थे एक संत पहुंच गए उस दिन और उन संत ने देखा लुटिया अच्छी है ठाकुर जी के भोग की तो उन्होंने उद्धव जी हमारे पास कोई लुटिया नहीं है कोई लोटा दे दो तुम तो उन्होंने वो ठाकुर जी की लुटिया एक ही थी वो दे दिया उन भक्त को सोचा ठाकुर जी को किसी गिलास विलास में भोग लगा लेंगे ठाकुर जी बड़े खिलाड़ी हैं एक दूसरी लुटिया में भोग रखा तो वो ठाकुर जी ने फेंक दिया उठा करके बोले अरे मेरी लुटिया कहाँ गई देखो भगवान के खेल जैसे हम तुम लड़ते हैं हमारा कोटोरा कहाँ है? तो वैसे ही उन्होंने भी नाटक किया बोले इसमें पानी नहीं पीऊंगा उठा के फेंक दिया फिर वो तीसरी लुटिया लाए बेचारे कि महाराज नाराज मत हो पानी पी लो तो तीसरी लुटिया भी उठा के फेंक दिया और बोले हमारी लुटिया लाएगा तभी पानी पीऊंगा तब उद्धव जी बोले महाराज आपकी लुटिया कहां से आई संत ने दी थी पहले कभी संत ने ले लिया आप पानी पियो चाहे ना पियो मैंने तो भक्त को दिया और भक्त को दूंगा ये सुनकर के ठाकुर जी हंस गए और बोले उद्धव हम तेरे से बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि भक्तों को ही प्रसन्न रखना चाहिए हम भी भक्तों के दास हैं तो उद्धव जी ने फिर भोग रखा उन्होंने पानी पिया इसलिए भक्ति जिसको चाहिए भक्तों को प्रसन्न करो भक्तों की सेवा करो और भगवान प्रसन्न हो जाता है